कैसे लगी मैम मूवी? अच्छा था, इट वाज नाइस। रणवीर का काम कैसा था? बहुत अच्छा था। और संजू बाबा का? संजू बाबा का ही बहुत अच्छा था। एक्शन था फिल्म में? हाँ, बहुत एक्शन था। स्टोरी वाइज कुछ नया देखने को मिला? नहीं, स्टोरी वाइज तो वही था, मतलब सस्पेंस था, लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस था। बट फिल्म ने कहीं बोर तो नहीं किया? नहीं नहीं, बोर तो नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। पैसा वसूल? हाँ, बिल्कुल वैसा। संजय दत्त का जो वो था कैरेक्टर था, बहुत सही था, बहुत सही। और रणवीर का? रणवीर तो कतई जा एक नंबर मूवी थी, मतलब गन टाइम वॉच मूवी पर बढ़िया एकदम पैसा वसूल मूवी है। और बाबा एकदम, और रणवीर कपूर एकदम फाड़ दिया एकदम। सर मैंने हर फिल्म पहले दिन देखता हूँ और संजय दत्त का रोल बहुत जोरदार है, शुद्ध सिंह के रोल में वो बिल्कुल जम गए। और रणबीर कपूर आने वाली जनरेशन में संजय दत्त है, तो दोनों का धमाकेदार रोल है। और संजय दत्त तो वर्सेटाइल एक्टर है, बहुत बढ़िया फिल्म है, 10 में से 10 स्टार, सुपर हिट। कैसे लगे मूवी? बहुत बढ़िया थी, ये रही हमारी लड़की। कैसे लगे मूवी? बहुत अच्छी थी। रणबीर का काम कैसा था? बहुत ही अच्छा था। बोर तो नहीं किया? क्या, हाँ, ऐसे चलो मेरा फेवरेट। क्या पूछा आपने? फिल्म ने कहीं बोर तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल ही, बहुत ही अच्छी थी। फुल पैसा वसूल? फुल। संजय दत्त अच्छा लगा, बाकी कुछ नहीं। रणबीर ने अच्छा लगा? नहीं लगा, पर संजय दत्त की बात कुछ अलग ही है। संजय दत्त थैंक यू। कैसी लगी मूवी? रणबीर कपूर का काम कैसा था? रणबीर कपूर का काम कैसा था? ठीक था। संजय दत्त का? वो विलन में अच्छी लगे। अच्छे थे। मैम कैसी लगी मूवी? अच्छे थे। कैसी लगी मूवी? बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर। संजय दत्त मस्त। संजय दत्त कैसे लगे भाई? जबरदस्त मूवी थी, मजा आ गया। सुपर सुपर। रणबीर कपूर का काम कैसा लगा? रणबीर कपूर का ठीक रहा, उससे अच्छा संजय दत्त का रहा। संजय दत्त कैसे लगे भाई? बढ़िया। एक्शन कैसा था? बॉलीवुड से उम्मीद नहीं होती, जो चीज थी वो दिया है आज। मतलब बॉलीवुड से जो उम्मीद नहीं थी उससे बेहतर थी। बेहतर थी, तीन चार साल से तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से लगा लो। वन ऑफ द बेस्ट, तीन चार साल पिछले पांच जो अभी उन्होंने मैच करना चाहा है ना साउथ मूवीज को, वो किया है। मतलब मजे आ गए, मजे आ गए। मतलब पैसा वसूल, पैसा वसूल है भाई। सर सर कैसी लगी मूवी? हिस्ट्री बेस मूवी थी, बढ़िया थी। बढ़िया थी, हाँ। एक्शन अच्छा था? हाँ ठीक था। कैसे लगी? एक नंबर लगा। ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर। कैसे लगी मूवी? ब्लॉकबस्टर, एक्टिंग और जो करण मल्होत्रा का डायरेक्शन है सब बेहतरीन है। और जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है, संजय दत्त की एक्टिंग है, और जो एक्शन है शानदार है, बहुत मजा आया, ब्लॉकबस्टर है। सर कैसे लगी मूवी? अच्छी थी। कैसे लगी मूवी? अच्छी थी। रणवीर का काम कैसा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया थी। और संजू बाबा का काम? अच्छा नहीं लगा। कैसे लगे? अच्छा था, बहुत अच्छा। कैसे लगी? अच्छी है पिक्चर। कैसे लगी? बढ़िया बढ़िया। कैसे लगे भाई मूवी? अच्छी थी। कैसे लगे सर मूवी? मूवी तो एक ही मतलब इतना कोई ड्रामा नहीं मिला मेरे को, तो खास डिसअपॉइंटेड हुआ मूवी से काफ़ी। बाकी रणबीर कपूर के ऊपर पूरी मूवी है, बाकी तो किसी का रोल नहीं है ढंग का। संजय दत्त का रोल नहीं है? संजय दत्त की काफ़ी ओवर एक्टिंग लगी मुझे तो। ओवर एक्टिंग? बट फिल्म ने एंटरटेन किया या नहीं? एंटरटेनमेंट यही है कि आपको एक ही अंधेरे में मूवी चलेगी, एक ही किले पर उन्होंने पूरा शूट बना दिया, उसके बाहर कोई मूवी नहीं है, और पूरा धूल ही धूल खत्म हो गया बस मूवी। नया आपको सीन ही नहीं मिलेगा, कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी नया। एक्शन वगैरह? रणबीर फर्स्ट टाइम एक्शन कर रहे हैं इस फिल्म में? एक्शन वही जो बॉलीवुड से चलता आ रहा है, कोई खास एक्शन नहीं, मतलब वही बॉलीवुड का जो चल रहा है अभी तक जो चल रहा है। आउट ऑफ 5 कितने देंगे? आउट ऑफ 5 2.5 देंगे। ब्लॉकबस्टर मूवी एक नंबर है, सबसे क्लाइमेक्स में बहुत मजा आया, संजय दत्त का रोल एक नंबर था। वो रणबीर कपूर का? रणबीर कपूर ने मतलब नया टॉपिक चूज करके बहुत अच्छे दिखाया उसमें। और एक्शन कैसा, क्या क्या? एक्शन बेस्ट था, बेस्ट था। सेकंड हाफ बेस्ट था। कैसे लगे मूवी? इट वाज रियली नाइस मूवी। रणबीर का काम कैसा था? आफ्टर 6 इयर्स आई सॉ हिम, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम, ही इज रियली नाइस। संजू बाबा का काम? या ही इज अ ग्रेट एक्टर। फिल्म लगभग 2 घंटे 38 मिनट की है, तो कहीं बोर तो नहीं किया? लेंथ ज्यादा लगी? नो नो नो, इट्स अ वेरी नाइस मूवी, वेरी नाइस। एक्शन वगैरह कैसा था? या इट्स ऑल नाइस, इट इज ऑल अ मूवी, ओवरऑल मूवी इज नाइस, नाइस। आउट ऑफ 5 कितने देंगे? 5। थैंक यू। क्या अच्छा लगा फिल्म में? सब कुछ। क्या क्या? पूरी मूवी था, सबसे अच्छी बात की मूवी लंबी है, छोटी नहीं बना दी, आराम से बैठ के बनाई है, बहुत मेहनत करी पिक्चर पर, हर एक सीन अच्छे से लिखा है, शॉट सारे ग्रैंड लगते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अमेजिंग है, बहुत प्यारा। और रणबीर का काम? रणबीर का काम ऐसे अच्छा रहता है बहुत, इसमें भी अच्छा ही है, बट इतना स्कोप नहीं था हीरो की एक्टिंग में जी, तो उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा ही किया है, कुछ खराबी नहीं है, मज़ा आया। और संजय दत्त ने जो एक्टिंग करी है, कांचा अधीरा भी कुछ नहीं लगे ऐसी एक्टिंग करी, मतलब कांचा और अधीरा को फेल कर दिया। हाँ, ये मतलब गब्बर सिंह के लेवल का एक विलन बन के आया है, जिससे नफरत भी होती है और देख के मज़ा भी आता है, क्या एक्टिंग कर रहा है। फिल्म में एक्शन कैसा? क्या एक्शन? बहुत अच्छा है मूवी में,
स्पेशली वो ट्रेन वाला जो सीन है, वन टेक जो बनाए अच्छे बनाए। अच्छा बना, अच्छा। रणवीर फर्स्ट टाइम एक्शन कर रहे हैं तो उनका एक्शन पसंद आया? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, रियलिस्टिक एक्शन था, कुछ भी नकली नहीं लगा जी, बहुत अच्छा था। और मतलब फिल्म में एक्शन के अलावा और रोमांस कॉमेडी वगैरह कुछ? रोमांस तो इतना नहीं दिखाया, अच्छा ही दिखाया, कुछ कुछ एक आध सीन ऐसे हैं जो फनी सीन है, कुछ फनी फालतू की बिल्कुल फनी सीन नहीं डाले, जहाँ पे जरूरत है ना वहीं पे डाले, बहुत अच्छे डाले। फिल्म का फर्स्ट हाफ ज़्यादा एंटरटेनिंग है या सेकंड हाफ? फर्स्ट हाफ एंटरटेनिंग बहुत है, सेकंड हाफ में स्टोरी वाइज अच्छा है, बट फर्स्ट हाफ एंटरटेनमेंट देखा जाए, एक्शन देखा जाए, कॉमेडी फन एलिमेंट कंप्लीट, तो फर्स्ट हाफ बहुत बेटर। फिल्म में एक्ट्रेस वाणी कपूर का काम कैसा क्या था? अच्छा, पहली बार मैंने इतना काम करते हुए देखा है, इतना बड़ा रोल मिला है और अच्छा रोल मिला है, इफेक्टिव रोल है। फिल्म विजुअली कैसी लगी? विजुअली मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है, लग रहा है कि यार रेडी पिक्चर बनाना थी तो बड़ा सोच के बनाया है, जल्दी जल्दी में नहीं बनाई। मतलब ट्रेलर देखकर जितना एक्साइटमेंट था फिल्म ने नहीं रहा, ट्रेलर इतना सा था जी, पिक्चर इतनी बड़ी है, मतलब फुल ट्रेलर से बेहतर फिल्म, ट्रेलर से बहुत बेहतर, जैसे टीजर से बेटर ट्रेलर था, ट्रेलर से बेटर पिक्चर है, अब बस चल जाए पिक्चर। वैसे चलेगी, जब बहुत अच्छी थी फर्स्ट शो के हिसाब से, मतलब ये पिक्चर नहीं चली तो फिर क्या चलेगी, ना ना रिव्यू अच्छे, परफेक्ट टिपिकल बॉलीवुड मूवी जो होती ना, जो पुराने जमाने चलती आ रही, जो कभी फेल नहीं होती, जैसे मास एंटरटेनमेंट, KGF बाहुबली टाइप, अच्छा। वो वाली मूवी है, तो ये तो चलना ही चाहिए। आउट ऑफ 5 कितने देंगे? आउट ऑफ 5 5 ही दे दो। और रणबीर को? रणबीर मेरा फेवरेट है तो उसके लिए 5, ब्रह्मास्त्र का वेट कर रहा हूँ बस रणबीर के। और बाबा की एक्टिंग को? बाबा की एक्टिंग को 5 out of 10। रणबीर कपूर का काम कैसा था? रणबीर कपूर का काम कैसा था? ठीक था। संजय दत्त का? वो विलन में अच्छे लगे, अच्छे थे। मैम कैसी लगी मूवी? अच्छे थे, कैसी लगी? एक नंबर। संजय दत्त मस्त, संजय दत्त कैसे लगे भाई? जबरदस्त मूवी थी, मजा आ गया, सुपर सुपर। रणबीर कपूर का काम कैसा लगा? रणबीर कपूर का ठीक रहा, उससे अच्छा संजय दत्त का रहा रोल। संजय दत्त कैसे लगे भाई? एक्शन कैसा था? बॉलीवुड से उम्मीद नहीं होती, जो चीज थी वो दिया है आज, मतलब बॉलीवुड से जो उम्मीद नहीं थी उससे बेहतर थी, बेहतर थी, मतलब 4 साल से तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से लगा। तो दोस्तों देखा आपने रणबीर कपूर और संजय दत्त की फिल्म समसेरा के जो रिव्यूज है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, पब्लिक को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर के काम ने सबका दिल जीत लिया, वही संजय दत्त का जो किरदार है वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि पब्लिक कह रही है कि ये फिल्म में संजय दत्त ने कांचा छीना और धीरा से भी बेहतर काम किया है। फिल्म के एक्शन की भी तारीफें की जा रही है, साथ ही साथ फिल्म की स्टोरी में भी काफ़ी ज़्यादा नयापन है। तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड की तरफ से समसेरा एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो सबको पसंद आ रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म वीकेंड पर एक बड़ा धमाका कर देगी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो सकती है। वैसे अगर आपने समसेरा देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।